प्लस तो इस वीडियो में बात करना है टैशो ऐप के बारे में। टैशो ऐप में अकाउंट कैसे बनाना है, शो ऐप को कैसे यूज करना है, टेस्ट सीरीज को कैसे लगाना है और डिस्काउंट आपको किस प्रकार से लेना हो पूरा डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे आ जाना। प्ले स्टोर पे सिंपली यहाँ से टैशो सर्च कर लेना। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल करके रखा है, आपको टैशो ऐप को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये वाला पेज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से गेट स्टार्ट पे क्लिक करना। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर ओटीपी की सहायता से सिंपली रजिस्टर्ड कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको होम पेज वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक करना। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे टैशो ऐप में सेक्शन दिए हुए, जैसे लाइव टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस का हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। सिंपली आप क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी एग्जाम सारे एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे एसएससी सीजीएल का देख लेते हैं, सीजीएल पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2022 में जो भी पेपर हुआ वो सारा कुछ मिल जाएगा, 2021 में जितना भी पेपर हुआ प्रीवियस ईयर वो सारा कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बैक करना है, यहाँ से आपको लाइव टेस्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी लाइव टेस्ट होते रहते हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे, इनको आप सिंपली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली बैक कर लेना, यहाँ पे आपको एक टेस्ट वाला सेक्शन आ रहा है, टेस्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना। टेस्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी सभी एग्जाम की, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम का यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम की कैटेगरी दी हुई, टीचिंग एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम की कैटेगरी दी हुई है। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैं एसएससी पे क्लिक करूंगा तो एसएससी के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से रेलवे एग्जाम हो गया, इसके रिगार्डिंग जो भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों टैशो ऐप में क्या होता है, टैशो पास को परचेस करना होता है। टैशो पास को अगर आप परचेस कर लेंगे तो यहाँ पे जितनी भी टेस्ट सीरीज दी हुई सारी टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाएंगी, सारी टेस्ट सीरीज को आप लगा सकते हैं। अगर आप टैशो पास को परचेस कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सारी टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाएंगी, सारी टेस्ट सीरीज को आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप टैशो पास को परचेस कर लेंगे तो ये दोनों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और जो भी अगर अदर भी टेस्ट सीरीज हैं वो सारी अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। टैशो पास को कैसे परचेस करना है और डिस्काउंट कैसे लेना आगे मैं बताने वाला हूँ। चलिए अभी बता देता हूँ टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज को लगाना है उसे सिंपली क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी टेस्ट सीरीज को आपको अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे मैं एसएससी सीजीएल 2023 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज आ गई, इसमें बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट वाला सेक्शन आ रहा है, सिंपली यहाँ पे अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद एग्री वाले बटन पर क्लिक करना। यहाँ देख सकते क्वेश्चन सारा कुछ खुल जाएगा, उसको जो भी आपको आंसर सही लगता है सिंपली क्लिक करिए सेव एंड नेक्स्ट। दोस्तों यहां से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, यहां से सिंपली एक बार टैप कर देना है तो यहां से हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी। और यहां से आप देख सकते हैं टाइमर भी चल रहा है। और दोस्तों ये वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप कोई भी क्वेश्चन पे जंप भी कर सकते हैं, जैसे मैं 5 नंबर पे जंप कर जाता हूं, ठीक है। और ये वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहां से आप सबमिट टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों टेस्ट को सबमिट करने के बाद यहां से पूरी एनालिसिस आ जाएगी। जैसे यहां से आप देख सकते हैं मेरी कितनी रैंक आई है और कितना स्कोर मैंने किया, कितना एवरेज स्कोर है, बेस्ट स्कोर कितना है, सारा कुछ आ जाएगा। मेरी एक्यूरेसी कितनी, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं मैंने कितना क्वेश्चन सही किया, कौन सा गलत किया, सारा कुछ आ जाएगा। मेरे अंग्रेजी में कितना नंबर आ गया और सामान्य जानकारी में कितना नंबर आ गया और रीजनिंग में कितना नंबर आ गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सभी क्वेश्चनों का आंसर देख सकते हैं। जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ से व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करना, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन का पूरा आंसर आ गया, कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा क्वेश्चन का आंसर गया है। सिंपली बैक करना, यहाँ से आप लीडर बोर्ड पे रैंक भी देख सकते हैं, मेरी कौन सी रैंक आई है, सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी बैक कर देता हूँ, कैसे परचेस करना और भी सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट वाले ऑप्शन में लाइव कोचिंग चलती है, यहाँ से सारा कुछ कोचिंग देख सकते हैं जो भी आपको परचेस करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मेरा मैं जेई का सिलेक्ट है, यहाँ से आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया या जो भी एग्जाम, जैसे मैं एसएससी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारा लाइव कोचिंग आ गया, सुपर कोचिंग है, जिनको आप खरीद के अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बैक कर लेता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ टैशो पास को कैसे परचेस करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज को कैसे परचेस करना, होम पेज पे ऊपर की तरफ 3 डॉट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ से पास वाला सेक्शन आ रहा है, पास वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना। अभी पास वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे मैंने कूपन कोड को अप्लाई किया इसलिए मुझे 10% का डिस्काउंट मिल चुका है। जैसे कि जो बना टैशो पास होता है उसकी प्राइस होती है 399 और मेरे अकाउंट पे आप देख सकते हैं बना टैशो पास है उसकी प्राइस 359 दिखा रहा है। दोस्तों मैंने कूपन कोड को अप्लाई
करके रखा, इसलिए मेरे अकाउंट पे 10% का डिस्काउंट दिखा रहा है। और इसी प्रकार से तीन ईयर का लाइफ टाइम पास होता है, उसकी प्राइस 599 होती है और मेरे अकाउंट पे 539 दिखा रहा है 10% डिस्काउंट बाद। चलिए भी कूपन को बता देता हूँ जिससे आपको डिस्काउंट हो सके। यहाँ से अप्लाई कूपन आ रहा है, अप्लाई कूपन पर सिंपली आपको क्लिक करना, अप्लाई कूपन पर क्लिक करना दोस्तों, यहाँ पर डाल देना AQ9 HP डालने के बाद जैसे ही आप यहां से अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और आपके अकाउंट पे डिस्काउंट भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको ईयरली पास परचेस करना सिंपली यहां पे क्लिक कर लीजिए, लाइफ टाइम पास परचेस करना सिंपली यहां पे, जैसे मैंने लाइफ टाइम वाला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से बाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना, अभी बाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना यहाँ से आपको पेमेंट ऑप्शन खोल जाएगा, आपको जिस माध्यम से पेमेंट करना है सिंपली पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों पेमेंट करने को तुरंत बाद टैशो पास है वो आपके में एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद जो आल गवर्नमेंट एग्जाम का टेस्ट सीरीज उसको आप लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप देख भी सकते हैं टैशो पास अगर आप परचेस कर लेंगे तो उसके साथ आपको 670 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है। 670 एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम का टेस्ट सीरीज दिया हुआ है यहाँ से सारे एग्जाम का देख सकते हैं। और दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ रही तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट और एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहां से आप देख भी सकते हैं टैशो पास को लगभग 20 लाख प्लस स्टूडेंट यूज कर रहे हैं एक्टिवली। दोस्तों टैशो पास के साथ आपको 670 प्लस एग्जाम और 63,000 प्लस मॉक टेस्ट, 16,000 प्लस PYQ मिलते हैं। दोस्तों अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, धन्यवाद।